गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 5.3 फ्रॉम 7th क्वेश्चन। 6 तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। फाइंड द कंजुगेट एंड मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग। 1 प्लस में आयोटा क्यूब, माइनस 4 प्लस में 3 आयोटा स्क्वायर, प्लस 7 माइनस में 9 आयोटा की पावर 4। हमें क्या निकालना है? इसमें कंजुगेट एंड मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ 1 प्लस में आयोटा क्यूब, 1 प्लस में आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी? आयोटा स्क्वायर इंटू में आयोटा, इंटू में है ये, माइनस 4 प्लस में 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? माइनस 1। देन ये क्या हो गया? माइनस 3। प्लस में 7 माइनस 9 इंटू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1। देन आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। यहां से माइनस 1 पुट करेंगे, 1 माइनस में आयोटा, यहां से 1 आ गया, प्लस में 7 और यहां से माइनस में 9। 1 माइनस आयोटा माइनस 1 प्लस में 7 माइनस में 9, ये कितना आ गया? यहां से 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया? माइनस 2 और प्लस में आयोटा, माइनस में आयोटा, सॉरी माइनस है यहाँ पे, माइनस 2 माइनस में आयोटा। अब इसका हमें क्या निकालना है? ये जेड आया हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर सोल्व होने के बाद। अब इसका कंजुगेट निकालना है और हमें क्या निकालना है? मॉडुलस। कंजुगेट कैसे निकालेंगे? जेड बार से डिनोट करेंगे और साइन किसका चेंज करते हैं कंजुगेट में? ओनली आयोटा वाली टर्म का। देन माइनस 2 प्लस में आयोटा इज द कंजुगेट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड मोड जेड क्या आएगा इसमें? वो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर क्या है? माइनस 2 का स्क्वायर। बी स्क्वायर मीन्स आयोटा का जो कोफिशियंट है, माइनस 1 का स्क्वायर, ये कितना आ गया? 4 प्लस में 1, रूट 5। सो मॉडुलस इज रूट 5 एंड कंजुगेट इज माइनस 2 प्लस में आयोटा। नाउ सेकंड पार्ट इज 7 प्लस आयोटा स्क्वायर और ऊपर क्या है इसका? कंजुगेट प्लस 6, ये 6 है बी नहीं है, 6 माइनस में आयोटा और माइनस में 4 माइनस 3 आयोटा क्यूब। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहां से 7 प्लस में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट करेंगे? माइनस 1, प्लस में 6 माइनस में आयोटा, माइनस 4 प्लस में 3 आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब की आयोटा स्क्वायर इंटू में आयोटा, ये कितना आ गया? यहाँ से 7 माइनस में 1, 6। 6 का कंजुगेट, 6 तो ऊपर कंजुगेट है ना इसका, 6 तो एक रियल नंबर है, तो इसका कंजुगेट करेंगे, आयोटा वाले टर्म ही नहीं है तो 6 का 6 आ जाएगा, प्लस में 6 माइनस आयोटा माइनस 4, यहाँ से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, देन माइनस 3 आयोटा, ये कितना आ गया? 6 प्लस में 6 माइनस आयोटा माइनस 4 माइनस में 3 आयोटा, ये कितना आ गया? 12 माइनस में 4 8, 8 माइनस में 4 आयोटा। जेड हमारा सिंप्लीफाई होके क्या आ गया? 8 माइनस में 4 आयोटा। अब इसका हमें क्या निकालना है? कंजुगेट एंड मॉडुलस। कंजुगेट क्या हो जाएगा? जेड बार 8 प्लस में 4 आयोटा, आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देंगे। देन मॉडुलस क्या होगा? मोड जेड रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, 8 का स्क्वेयर 64, 4 का स्क्वेयर 16, ये कितना आ गया यहाँ से? 80। रूट 80 इज द मॉडुलस ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कंजुगेट इज 8 प्लस में 4 आयोटा। नाउ नेक्स्ट पार्ट, 2 प्लस 3 आयोटा का कंजुगेट प्लस 5 आयोटा माइनस में 4 आयोटा की क्यूब और इसका कंजुगेट प्लस में 6 आयोटा माइनस 7 आयोटा की पावर 4। तो यहाँ से पहले हम इसका कंजुगेट लेते हैं, 2 प्लस 3 आयोटा का क्या होगा? 2 माइनस 3 आयोटा, यहाँ से दोनों में आयोटा वाली टर्म है तो दोनों का साइन चेंज होगा, मीन्स माइनस में 5 आयोटा प्लस में 4 आयोटा क्यूब। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, आयोटा क्यूब की जो वैल्यू है 5 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वेयर इंटू में आयोटा प्लस 6 आयोटा माइनस 7 आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है? 1। यहाँ से 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा, ऊपर कंजुगेट है इसका, माइनस में ये कितनी हो गई? माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया 4 आयोटा, प्लस में यहाँ से 6 आयोटा माइनस में 7, यहाँ पे कंजुगेट नहीं है, 2 माइनस में 3 आयोटा, इसका कंजुगेट लेंगे, ये कितना हो गया? 9 आयोटा, 9 आयोटा का कंजुगेट माइनस 9 आयोटा, यहाँ से प्लस में 6 आयोटा माइनस में 7, ये कितना आ गया? 2 माइनस में 12 आयोटा माइनस 12 प्लस में 6, यानी कि माइनस 6 आयोटा, माइनस 3 और माइनस 3 लगा लो और माइनस में 7, ये कितना आ गया? माइनस 5 माइनस 6 आयोटा। सो जेड कंजुगेट क्या आ गया हमारा? माइनस 5 प्लस में 6 आयोटा। एंड मॉडुलस क्या आ गया इसका?
मॉडुलस क्या होगा 25, 5 का स्क्वायर 25 एंड 6 का 36, ये कितना आ गया रूट 61 इज द मॉडुलस ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ फोर्थ पार्ट इज 1 माइनस आयटा की पावर माइनस 2 प्लस 1 प्लस आयटा की पावर माइनस 2। अगर पावर माइनस में है देन इसको हम नीचे लेके आ सकते हैं ना, डिनोमिनेटर में पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। 1 अपॉन 1 माइनस आयटा की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस आयटा की पावर 2। यहाँ से 1 अपॉन 1 माइनस ए का सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, 1 प्लस आयटा स्क्वायर माइनस 2 आयटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस आयटा स्क्वायर प्लस में 2 आयटा। अब आयटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे माइनस 1 पुट कर देंगे, 1 अपॉन में 1 माइनस 1 माइनस 2 आयटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस में 2 आयटा, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से 1 अपॉन माइनस 2 आयटा रह गया और यहाँ पे 1 अपॉन में 2 आयटा, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया जीरो। जेड हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ गया जीरो। देन इसका जेड कंजुगेट क्या होगा जीरो का जीरो एंड मॉडुलस ऑफ जेड भी क्या होगा इसका जीरो। सो जीरो इज द कंजुगेट एंड मॉडुलस ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज फिफ्थ, 3 प्लस 2 आयटा अपॉन 2 माइनस 5 आयटा प्लस 3 माइनस 2 आयटा अपॉन 2 प्लस में 5 आयटा। पहले क्या लेना होगा हमें एलसीएम, एलसीएम क्या आ गए यहाँ से 2 माइनस 5 आयटा इंटू 2 प्लस में 5 आयटा, यहाँ से 2 माइनस 5 आयटा ऊपर मल्टीप्लाई किसकी होगी 2 प्लस 5 आयटा की, इसके साथ 3 प्लस में 2 आयटा इंटू में 2 प्लस में 5 आयटा बीच में प्लस 3 माइनस 2 आयटा की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 2 माइनस 5 आयटा, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या आ गई यहाँ से इसकी इसके साथ करेंगे 6 प्लस में 15 आयटा प्लस में 4 आयटा प्लस में 10 आयटा स्क्वायर, यहाँ से करेंगे तब 6 माइनस 15 आयटा माइनस 4 आयटा और प्लस में 10 आयटा स्क्वायर। नीचे क्या है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 माइनस में 25 आयटा स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ गए यहाँ से देखो 15 आयटा ये कैंसिल हो गई टर्म सीधी 4 आयटा से 4 आयटा, 6 प्लस में 6 12 और प्लस में 10 आयटा स्क्वायर प्लस में 10 आयटा स्क्वायर 20 आयटा स्क्वायर, नीचे कितना आ गया 4 प्लस में 25, यहाँ से आयटा स्क्वायर है आयटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे ना 12 प्लस में 20 आयटा स्क्वायर, तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तब क्या आएगा ये आयटा वाली टर्म तो हमारी यहाँ से कैंसिल ही होगी, तो फिर 12 माइनस में 20 अपॉन में 29 यानी कि माइनस 8 अपॉन में 29, आयटा की टर्म कैंसिल होगी ओनली रियल पार्ट रहा है माइनस 8 अपॉन में 29। देन जेड बार क्या हो जाएगा जेड बार तो एज इट इज रहेगा माइनस 8 अपॉन में 29 एंड मॉडुलस ऑफ जेड क्या होगा यहाँ से माइनस 8 अपॉन में 29 का होल स्क्वायर कर देंगे, यही है ना रियल पार्ट, ये कैंसिल हो गए ये हो जाएगा तो किसके इक्वल आ गया ये माइनस 8 अपॉन में 29 स्क्वायर करेंगे तब ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। सो वैल्यू ऑफ मोड जेड इज 8 अपॉन में 29, ये हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, इफ जेड 1 इक्वल टू 1 प्लस 2 आयटा एंड जेड 2 इक्वल टू 6 प्लस 5 आयटा देन वेरीफाई दैट मोड जेड 1 जेड 2 इक्वल टू मोड जेड 1 इंटू मोड जेड 2, ये प्रॉपर्टी हमने की थी ना लास्ट वीडियो में कि मोड जेड 1 जेड 2 किसके इक्वल होगा मोड जेड 1 का अलग से कर दू और उसके साथ मल्टीप्लाई इंटू में मोड जेड 2, तो यहाँ से हमें पहले मोड जेड 1 निकालना होगा एंड मोड जेड 2, मोड जेड 1 की वैल्यू कैसे निकलेगी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 रूट 5, मोड जेड 2 कैसे आएगा 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25, ये आ गया रूट 61। अब हमें इसमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए जेड 1 जेड 2 फिर उसका मॉडुलस लेना है हमें, पहले जेड 1 जेड 2 मल्टीप्लाई करेंगे देन 1 प्लस में 2 आयटा इंटू में 6 प्लस में 5 आयटा, किसके साथ पहले 1 के साथ करेंगे एज इट इज फिर 2 आयटा के साथ 12 आयटा प्लस में 10 आयटा स्क्वायर, ये कितना आ गया यहाँ से माइनस 10 हो जाएगा और प्लस में 6 माइनस 4 प्लस में 17 आयटा। अब इसकी मॉडुलस वैल्यू लेनी है लेफ्ट हैंड साइड में जेड 1 जेड 2 क्या हो जाएगी माइनस 4 का स्क्वायर 16 यहाँ से 289, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, अब इनको ऐड करेंगे तब कितना आएगा 305, इसकी मॉडुलस वैल्यू कितनी आ गई 305, लेकिन ये राइट हैंड साइड में क्या चाहिए हमें मोड जेड 1 इंटू मोड जेड 2, ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारी और ये क्या है राइट हैंड साइड,
मोड जेड वन इंटू मोड जेड टू, मोड जेड वन किसके इक्वल है रूट फाइव, इंटू में मोड जेड टू किसके इक्वल है रूट सिक्सटी वन, रूट ए इंटू रूट बी, इनको मैं इकट्ठा लिख सकती हूँ ना रूट ए बी, देन इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ये भी कितने आएगी 305. सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड. हमें ये वेरीफाई करना था कि मोड मोड वैल्यू ऑफ जेड वन इंटू जेड टू किसके इक्वल आएगा, मोड वैल्यू ऑफ जेड वन इंटू मोड वैल्यू ऑफ जेड टू. नाउ सेकेंड पार्ट इज जेड वन अपॉन में जेड टू चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ से पहले जेड वन अपॉन जेड टू निकालेंगे. जेड वन की वैल्यू क्या है वन प्लस में टू आयटा, जेड टू की क्या है सिक्स प्लस में फाइव आयटा. नीचे आयटा की टर्म है तो क्या करना होगा रेशनलाइजेशन, सिक्स माइनस फाइव आयटा सिक्स माइनस में फाइव आयटा, जेड वन अपॉन में जेड टू आ गया, ऊपर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स माइनस में फाइव आयटा, फिर टू आयटा के साथ ट्वेल्व आयटा माइनस में टेन आयटा स्केयर, नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके इक्वल आ गई आयटा स्केयर हो गया, ये नीचे सिक्स माइनस में माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया यानी कि सिक्सटीन, और प्लस में ट्वेल्व माइनस में फाइव आयटा कितना आ गया सेवन आयटा, अपॉन में थर्टी सिक्स प्लस में ट्वेंटी फाइव ये कितना हो गया सिक्सटी वन. अब इनका क्या निकालना है हमें मॉडुलस वैल्यू, मोड जेड वन अपॉन में जेड किसके इक्वल होगा ये सिक्सटीन अपॉन में सिक्सटी वन का होल स्क्वायर प्लस में सेवन अपॉन में सिक्सटी वन का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल आएगा सिक्सटीन का स्क्वायर होता है टू फिफ्टी सिक्स एंड सिक्सटी वन का होता है थ्री सेवन टू वन प्लस में सेवन का होल स्क्वायर फोर्टी नाइन अपॉन में सिक्सटी वन का थ्री सेवन टू वन. मोड जेड वन अपॉन में जेड टू कितना आ गया, इनको एड करेंगे नीचे एलसीएम सेम है ना थ्री सेवन टू वन, 256 में 49 ऐड करेंगे ये आएगा 305. अब ये किसका है 305, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ से, ये किसके इक्वल था किसी का रूट नहीं बन रहा, और ये किसका है 61 का, तो ये रूट से बाहर आएगा 305 अपॉन में 61 यही आ गया इसका मॉडुलस. नाउ ये किसके इक्वल होना चाहिए मोड जेड वन अपॉन में मोड जेड टू, देन मोड जेड वन अपॉन में मोड जेड, ये कितना है मोड जेड वन रूट फाइव और रूट ये कितना है रूट सिक्सटी वन, तो यहां से मैं ऊपर इसको कैसे लिख सकती हूँ 305 जो रूट में टर्म है ये सीधा कैंसिल हो रहा है 61 से, ये कितने पे जाएगा अंदर ही रूट के अंदर ही, हम इसको कैंसिल कर लेते हैं ये कितने पे जाएगा 61 5 जा 305 अपॉन में 61 यानी कि रूट फाइव अपॉन में 61 रूट फाइव अपॉन में रूट 61 और ये किसके इक्वल है मोड जेड वन अपॉन में मोड जेड टू, ये तो वेरीफाई करना था हमें, ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी और ये क्या आ गई मोड जेड वन अपॉन में मोड जेड टू हमारी राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज थर्ड, मोड जेड वन प्लस जेड टू लेस देन इक्वल टू मोड जेड वन प्लस में मोड जेड टू, ये कौन सी इनइक्वालिटी थी ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ये हमें प्रूव करनी है. जेड वन जेड टू वही है गिवन, उसी का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है. देन मोड जेड वन क्या आ गया था रूट फाइव, मोड जेड टू रूट सिक्सटी वन. लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए जेड वन प्लस में जेड टू देन उसका मोड, तो पहले जेड वन प्लस में जेड टू निकाल रहे हैं क्या आ गया सेवन प्लस में सेवन आयटा. अब इसके मॉडुलस लेना है, मॉडुलस क्या आ जाएगा सेवन का स्क्वायर प्लस में सेवन का स्क्वायर, फोर्टी नाइन प्लस में फोर्टी नाइन कितना आ गया नाइनटी एट, रूट के अंदर नाइनटी एट. अब हम रूट इजिली निकाल सकते हैं ना किस टाइप से ये पेयर बना के, ठीक है ना, इसका रूट निकालेंगे तब ये कितने पे जाएगा यहाँ से नाइन नाइन जा एट्टी वन, ठीक है ना, इस तरह से निकाल के इसका रूट आ जाएगा 9.9 समथिंग. नाउ इसका राइट हैंड साइड में क्या है मोड जेड वन प्लस में मोड जेड टू, मोड जेड वन कितना था रूट फाइव और ये प्लस में रूट सिक्सटी वन, रूट फाइव ऐसे ही रूट निकालेंगे इसकी वैल्यू आएगी 2.24 प्लस में रूट सिक्सटी वन की आएगी 7.80 यानी कि सम करने पे कितना आ गया 10.04 यानी कि ये जो मोड जेड वन प्लस जेड टू है ये वैल्यू क्या है ग्रेटर देन है किससे मोड जेड वन प्लस में जेड टू, यानी कि ये चीज किससे लेस आ गई मोड जेड वन प्लस में मोड जेड टू, यही हमें क्या करना था इसके अंदर वेरीफाई. नाउ फोर्थ पार्ट इज मोड जेड वन माइनस मोड जेड टू, फिर इनके बाहर इसकी मॉडुलस वैल्यू लेस देन इक्वल टू मोड जेड वन माइनस में मोड, मोड के अंदर जेड वन माइनस में जेड टू, तो यहाँ से हमें मोड जेड वन माइनस मोड जेड टू चाहिए, इसकी वैल्यू क्या है रूट फाइव, इसकी वैल्यू रूट सिक्सटी वन और बाहर इसका मॉडुलस, तो इसकी मोड वैल्यू लेंगे देन रूट फाइव का स्क्वायर, ठीक है ना, क्या आ जाएगी इसका मॉडुलस वैल्यू लेंगे तो रूट फाइव का स्क्वायर प्लस में रूट सिक्सटी वन का, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2.24 और इसकी वैल्यू क्या होगी 7.80.
80। अब इसकी मॉडुलस वैल्यू लेंगे, पहले मैंने इसका रूट खोल लिया, अब इसकी मॉडुलस वैल्यू लेंगे तब ये आएगी -5.56। देन ये पॉजिटिव बना देगा इसको 5.56। राइट हैंड साइड में क्या है, z1 - z2। पहले हम क्या करेंगे, z1 - z2 फाइंड आउट करेंगे। z1 की वैल्यू ये है, माइनस में z2 ही आ गया। अब इसका क्या लेना है, मॉडुलस, मॉडुलस लेंगे 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 25 प्लस में 9 ये कितना आ गया, √34, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 5.83। अब ये इसकी जो वैल्यू आई थी ना, ये 5.56, ये क्या है, लेस देन द 5.83। ये 5.5 है और ये क्या है 5.8, तो ये है ना ग्रेटर, तो ये चीज इससे क्या आ गई, ग्रेटर। सो मोड z1 - z2 की मॉडुलस वैल्यू लेस देन z1 - z2 का मॉडुलस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, इफ z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड z बार इज कंजुगेट, देन प्रूव दैट z inverse = z का कंजुगेट अपॉन में मोड z square, वेयर z ≠ 0, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो नीचे ये टर्म क्या बन जाएगी, नोटिफाइड। नाउ हमें ये चीज प्रूव करनी है कि z का इनवर्स है ना वो किसके इक्वल होगा, z का कंजुगेट अपॉन में मोड z square। z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चल पड़ते हैं, लेट z = a + b आइटम, बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमें क्या क्या चाहिए, इसमें जेड इनवर्स चाहिए और जेड कंजुगेट। जेड कंजुगेट क्या आएगा इसका, a - b आएगा, एंड मोड वैल्यू, मोड जेड किसके इक्वल आएगा, √a² + b² जेड का स्क्वायर करेंगे तब ये किसके इक्वल आ जाएगा, a² + b². नाउ जेड इनवर्स चाहिए हमें, जेड इनवर्स का क्या मतलब है, 1/z, 1/z, जेड की क्या वैल्यू है, a + b आएगा, अगर नीचे क्या आ जाए आयोटा, तो फिर हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन, a - b आयोटा से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड, ऊपर आ गया a - b आयोटा, नीचे a + b × a - b, a² - b² a - b आयोटा अपॉन में a² + b² आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, यहाँ पे पुट कर दी मैंने a² + b² a - b आयोटा किसकी वैल्यू है, जेड कंजुगेट की, a² + b² वैल्यू किसकी है, मोड z² की। यही तो हमें प्रूव करना था कि z inverse = z conjugate अपॉन में मोड z² तो यहाँ से सो z inverse = z conjugate अपॉन में मोड z² हेंस प्रूव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, सो दैट फॉर z belong to C कॉम्प्लेक्स नंबर मोड z = 0 इफ एंड ओनली इफ z = 0। ये कह रखा है कि सो करके दिखाओ कि मॉडुलस जो वैल्यू है z की वो = 0 है, कब है, इफ एंड ओनली इफ z = 0। इसका क्या मतलब है, इफ एंड ओनली इफ जो कंडीशन होती है कि ये कंडीशन है तब ये प्रूव होती है, ये कंडीशन होती है, अगर ये कंडीशन है तब ये कंडीशन प्रूव होती है। तो हम यहाँ से ये कंडीशन लेके चलते हैं स्टार्टिंग में और इसको प्रूव करते हैं, फिर इस कंडीशन को लेके ये कंडीशन, यानी कि दोनों तरफ से कंडीशन होनी जरूरी है, इफ एंड ओनली इफ का यही मतलब है यहाँ पे। लेट जेड ले लिया मैंने भी, a + b आयोटा, बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन अगर इफ मोड z = 0, मोड जेड वैल्यू कैसे निकलते हैं, a² + b² = 0, यहाँ से स्केयरिंग करेंगे रूट हटाने के लिए, देन a² + b² = 0, तो यहाँ से दोनों टर्म का सम जो है स्केयर वो = 0 है, देन ए भी 0 होगा यहाँ से और बी भी क्या होगा 0, देन जेड में पुट करेंगे z = 0 + 0 आइटम, जेड की वैल्यू क्या होगी 0। देखो मोड z = 0 लेके चले थे और प्रूव क्या कर दिया, z = 0। नाउ कन्वर्स में हम क्या लेके चलेंगे, इफ z = 0, जेड को मैंने क्या पुट कर दिया 0, जेड क्या है a + b आयोटा = 0 है ना यहाँ से। अब मैं इसका मॉडुलस ले लू, दोनों तरफ क्या ले लू, मॉडुलस ले लू, मॉडुलस लेंगे देन a² + b² रूट के अंदर ये कितना आ जाएगा 0, ये किसकी वैल्यू होती है, मोड z = 0, तो यहाँ से z = 0 लेके चले थे और क्या दिखा दिया, मॉडुलस ऑफ z = 0, जेड था a + b = 0, दोनों तरफ रूट ले सकते हैं, रूट ले लिया, रूट लेने के बाद मीन्स मॉडुलस वैल्यू ले ली दोनों तरफ, मॉडुलस क्या आता है a² + b² और 0 का था 0 ही रहेगा, इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ जेड से डिनोट करते हैं = 0।
सो प्रूव कर दिया हमने, अगर मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू जीरो है देन इफ एंड ओनली इफ जेड इक्वल टू जीरो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th. इफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई वेयर एक्स एंड वाई आर रियल नंबर देन प्रूव दैट मोड एक्स प्लस में मोड वाई लेस देन इक्वल टू रूट टू मॉडुलस ऑफ जेड लिख रखा है क्वेश्चन में. यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू मॉडुलस ऑफ जेड, इसके इक्वल हमें ये प्रूव करना है. तो यहाँ से जेड क्या है हमारा x प्लस में आयोटा वाई देन मॉडुलस ऑफ जेड क्या आ जाएगा, मॉडुलस क्या आएगी इसकी वैल्यू एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर. ठीक है ना, अब हमें पता है कि यहाँ से ये जो मोड x है कैसे आएगा, ये वैल्यू एक्स स्क्वेयर किससे लेस होगा एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर से, क्योंकि ये तो ओनली वन क्वांटिटी और इसमें कुछ ना कुछ ऐड कर रखा है एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर. तो ये हमेशा ये वैल्यू क्या होगी इक्वल टू भी हो सकती है और इससे लेस होगी. एंड वाई स्क्वेयर किसके इक्वल होगा हमेशा, सॉरी लेस आएगा किससे एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर से. अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में मॉडुलस ऑफ एक्स, तो वो कब आएगा टेकिंग पॉजिटिव स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड. यहां से टेकिंग पॉजिटिव स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहां से क्या आ गया ये मोड एक्स किससे लेस देन आ गया रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये फर्स्ट इक्वेशन. यहां से मोड वाई किससे लेस देन आ गया रूट एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर, ये सेकेंड इक्वेशन. एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में एड करेंगे एंड राइट हैंड साइड राइट में. मोड एक्स प्लस में मोड वाई किससे लेस आ गया ट्वाइस ऑफ रूट एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर. अब ये किसकी वैल्यू है ट्वाइस ऑफ रूट एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर, किसकी वैल्यू है मॉडुलस ऑफ जेड. तो इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे मॉडुलस ऑफ जेड. यही तो हमने प्रूव करना था कि मोड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस में मोड वैल्यू ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मोड वैल्यू ऑफ जेड. क्या किया है हमने एक्स ये तो गिवन था कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका मॉडुलस निकाल दिया. मॉडुलस क्या होगा रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर. अब हमें पता है किसी एक टर्म का स्क्वेयर लेस देन क्या हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर. सिमिलरली वाई स्क्वेयर भी किससे लेस होगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर. हमें चाहिए यहाँ पे मॉडुलस ऑफ एक्स देन इसका क्या करना होगा पॉजिटिव स्क्वेयर रूट. पॉजिटिव स्क्वेयर रूट लेने पे मोड एक्स लेस देन इक्वल टू रूट के अंदर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, यहाँ से मोड वाई लेस देन इक्वल टू रूट के अंदर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर. मोड एक्स प्लस मोड वाई चाहिए हमें लेफ्ट हैंड साइड में, तो दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड कर दिया तो ये ट्वाइस बन गया रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और ये वैल्यू किसकी होती है मॉडुलस ऑफ जेड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th. इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन जेड टू आर सच दैट मोड जेड वन इक्वल टू मोड जेड टू, ये हमें गिवन है. इज इट नेसेसरी दैट जेड वन इक्वल टू जेड टू, ये कह रखा है अगर मोड जेड वन इक्वल टू मोड जेड टू है क्या ये जरूरी होगा कि जेड वन किसके इक्वल आए जेड टू की, ये चीज हमें प्रूव करनी. नाउ जेड वन मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया ए वन प्लस आयटा बी वन, जेड टू मान लिया ए टू प्लस आयटा बी टू. अब हमें क्या चाहिए मोड जेड वन और मोड जेड टू. मोड जेड वन क्या आ गया ए वन स्क्वेयर प्लस बी वन स्क्वेयर, मोड जेड टू क्या आ गया ए टू स्क्वेयर प्लस बी टू स्क्वेयर. देन मोड जेड वन इक्वल टू मोड जेड टू इक्वल गिवन है, दोनों की वैल्यू मैंने इक्वल पुट कर दी, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल. नाउ ए वन स्क्वेयर प्लस बी वन स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया ए टू स्क्वेयर प्लस बी टू स्क्वेयर, ए वन स्क्वेयर ए टू स्क्वेयर के इक्वल बी वन स्क्वेयर बी टू स्क्वेयर के इक्वल. यहाँ से ए वन का स्क्वेयर हटाएंगे तब प्लस माइनस वैल्यू आएगी किसके इक्वल आ गई ए टू के. नाउ बी वन किसके इक्वल आ गई प्लस माइनस ऑफ बी टू. देन जेड वन में हमने पुट कर दी जेड वन किसके इक्वल था ए वन प्लस में आयटा बी वन, यहाँ से ए वन किसके इक्वल है प्लस माइनस ए टू एंड बी वन किसके इक्वल है प्लस माइनस बी टू, यानी कि ए वन की जगह पे प्लस माइनस ए टू प्लस में प्लस माइनस आयटा बी टू. अब ये चीज देखो प्लस माइनस है बाहर और अंदर भी क्या है प्लस माइनस, तो इस चीज को मैं क्या लिख सकती हूँ ए टू प्लस में आयटा बी टू, दोनों पॉजिटिव ले ली फिर दोनों नेगेटिव माइनस ए टू माइनस बी टू, एक पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव माइनस ए टू प्लस आयटा बी टू ए टू माइनस में आयटा बी टू. यहाँ से ये चार केसेस आ रहे हैं ना निकल के कि दो वैल्यू पॉजिटिव और दो नेगेटिव. यहाँ से जेड वन किसके इक्वल आ गया एक केस में तो जेड वन किसके इक्वल है जेड टू के और दूसरे केस में जेड वन किसके इक्वल है माइनस जेड टू के. जेड वन जेड टू के भी इक्वल आया है और जेड वन किसके इक्वल आया माइनस जेड टू, लेकिन इसने तो ये कहा था कि अगर मोड जेड वन मोड जेड टू के इक्वल है इज इट नेसेसरी दैट जेड वन इक्वल टू जेड टू, तो ये नेसेसरी नहीं है क्योंकि जेड वन जेड टू के भी इक्वल आ रहा है और जेड वन किसके इक्वल आ रहा है माइनस जेड टू, तो यह लिख देंगे सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट जेड वन इक्वल टू जेड टू.
ओके स्टूडेंट, ये हुई हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज 5.3 कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।